प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। आज हमारा जो शाम का जो सेशन है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम ऐसे चीजों पे बात करेंगे कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो पानी में काम करते हैं, जैसे कि खेत में लोग धान रोपते हैं तो उनको पानी में पानी लग जाता है, वो इन्फेक्शन हो जाता है पानी की वजह से, तो मराठी में उसको जड़वात बोलते हैं, मतलब पानी की वजह से जो इन्फेक्शन हो जाता है और उंगलियों के बीच में हो जाता है। जो आप लोग भी अगर पानी में ज्यादा देर पैर में काम करेंगे या हाथों में करेंगे तो ये इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसका आयुर्वेद में शास्त्रीय क्या चिकित्सा है, इस पर हम लोग को चर्चा करना जरूरी है। हम लोग ट्रीटमेंट तो करवा देते हैं एंटीबायोटिक्स वगैरह, लेकिन आयुर्वेद के दृष्टि से इस पे बात होना जरूरी है। और हम सब है ना भारत के बहुत मेहनती डॉक्टर्स हैं, आप भी मैं भी, तो हम लोग ना हर चीज पे बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं और फिर अपना अनुभव भी बताते हैं कि इस तरह से चिकित्सा किया गया तो ऐसा फायदा हुआ। मेहनत करना जरूरी होता है और हर रोज एक नया चीज सीखना जरूरी होता है कि अच्छा ये बीमारी पे ये भी इलाज हो सकता है, ये भी इलाज हो सकता है। तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, जो पानी लगना, कॉमन भाषा में उंगलियों के बीच में जो इन्फेक्शन हो जाता है जिसको पानी लगना बोलते हैं और मराठी में उसको जड़वाट बोलते हैं, तो इसका क्या चिकित्सा होता है। तो इसमें पहले तो ये देखना चाहिए कि ये ज्यादातर निरामावस्था में, इसका आम से कोई स्पेशल कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि ये एक्सटर्नल एक्सटर्नली होता है उंगलियों के बीच में, पैर की उंगलियों में या हाथ की उंगलियों में। मराठी में इसको चिकली भी बोलते हैं, या कभी कभी ये कृमि, पेट में कीड़े होते हैं और उसके वो भी रहता है और पैरों में ये भी हो जाता है। उसी तरह से कभी कभी सोरियासिस भी रहता है, जो जिसको हम किटिप कुष्ठ, एक कुष्ठ बोलेंगे, कर्दम कुष्ठ बोलेंगे आयुर्वेद की भाषा में, मतलब मॉडर्न की भाषा में सोरियासिस भी होगा और यह जो जड़वात है उंगलियों के बीच में इन्फेक्शन होना, पानी लगना, यह भी होगा। और कभी कभी मधुमेह, डायबिटीज मिलाइटस होगा और उसके वजह से, या उस वो अलग है और ये पानी लगना, तो ये नॉन हीलिंग वुंड की तरह वो कन्वर्ट हो सकता है। इसमें हम लोग दोष देखें तो वात और पित्त का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, कफ दोष का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। और इसमें धातु देखेंगे तो रस धातु और रक्त धातु की दुष्टि ज्यादा दिखती है। और मल में देखें तो स्वेद, अगर कभी कभी वहां पे स्वेद बहुत ज्यादा आ रहा है, सॉक्स ऐसे पहने हैं बहुत ज्यादा शूज में, और दिन दिन भर बहुत पसीना आ रहा है पेशेंट को, कोई भी इंसान को इतना पसीना आ रहा है कि पूरा उंगलियां गीली गीली हो जाती है, तो उसको जरूर ये प्रॉब्लम इन्फेक्शन हो जाता है, अपने ही पसीने से उसको वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें स्रोतस देखें तो रसवा स्रोतस और रक्तवा स्रोतस इन्वॉल्व रहता है। और इसका एनाटॉमी देखेंगे तो यह कभी कभी जीभ में भी हो जाता है, कभी कभी त्वचा में हो जाता है, और हाथ और पैर के जो तलवे होते हैं उसमें हो जाते हैं। यही इन्फेक्शन मैंने एक आंटी को देखा था, वो मेरे पास आई थी, बहुत साल पहले आई थी, 2004 में आई थी, जब मेरा नया नया प्रैक्टिस शुरू हुआ था, 2-3 साल ही हुआ था। तो वो आई थी तो वो क्या करती थी कि उस टाइम पे ग्लव्स का जमाना नहीं था, मतलब जो आजकल प्लास्टिक ग्लव्स इजीली मिल जाते हैं, और उस टाइम पे जो रबर के ग्लव्स भी होते थे तो महंगे होते थे, तो उस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर पाते थे सर्व सामान्य लोग। तो वो क्या करती थी कि अपने खुले हाथ से ही वह अगरबत्ती बनाती थी, तो वो बांस के डंडे लेके आती थी और अगरबत्ती का जो केमिकल होता है उसको मिक्स करके और हाथ से ही अगरबत्ती बनाती थी। आजकल तो मशीन से बनता है सब, तो वो ऐसे करते करते उनके जो केमिकल थे ये पूरे हाथ पैर में इन्फेक्शन हो गया, और वो इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा था कि उनको तकलीफ दे रहा था। उन्होंने फिर वो काम बंद कर दिया, किसी और से करवाने लगी, लेकिन उनका इन्फेक्शन ठीक ही नहीं हो रहा था, और बड़े से बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा था। ऐसे ही मैंने एक और पेशेंट देखी थी, जो पुणे में एक ना बहुत बड़ा पार्क है, इसका नाम है सारस बाग, मतलब, और उसको एकदम बहुत ज्यादा सम्मान से लिया जाता है सारस बाग, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे पुणे के पेशवा लोग, उन्होंने वो पार्क बनवाया था उस जमाने में। तो वहां पर सारस बाग के बाहर ना पानीपुरी और शेवपुरी और ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स लगे रहते हैं, और लोग पुणे घूमने आते हैं ना तो वहां पे जरूर खाते हैं। तो वो एक आंटी थी ना बूढ़ी में, वो क्या करती थी कि इमली का जो पानीपुरी का जो पानी है ना, वो बहुत सारा ऐसे इमली घोल घोल के, और मिर्ची, लाल मिर्ची रहता है या हरा मिर्ची, उसको पीसती थी सिलबट्टा पे, पहले मिक्सी का जमाना नहीं था, तो वो सिलबट्टा पे पीस पीस के पीस पीस के, और वो पूरा मिश्रण ऐसे बना के चटनी जैसा, और सारे स्टॉल वालों को देती थी, कम से कम 100-200 लोगों को देती थी। उनको भी पूरा मतलब ये इन्फेक्शन हो गया, लेकिन उनका पित्त जन्य था, मतलब दाह होता था, बर्निंग होता था, इतना मिर्ची पीस पीस के पीस पीस के,
आजकल तो अच्छा हो गया है कि सोफिस्टिकेटेड हो गया है कि मिक्सर ग्राइंडर में लोग चटनी बना लेते हैं, पहले के जमाने में ये सब नहीं था। तो मैंने उनमें पित्तजन्य देखा, और ये जो अगरबत्ती से बनाने वाले जो हाथ पैर में जो इन्फेक्शन हुआ था ये अगरबत्ती से केमिकल से देखा। उसी तरह से मेरे पास कुछ खेती वाले लोग आए जो धान की खेती करते थे, तो वो बोलते थे कि पैर में इतना, क्योंकि धान में दिन भर बैठ के पानी में वो धान को निकाल के और फिर लगाना पड़ता है, उनको इतना सारा इन्फेक्शन हो रहा था लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो उसके लिए अलग से शूज वगैरह पहनना चाहिए, लेकिन अब गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, वो कहाँ से पहने। तो ऐसे मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे। तो इसमें हमें कृमि की चिकित्सा करनी पड़ती है, स्निग्ध आहार का सेवन करना पड़ता है, मतलब क्योंकि कभी कभी रुक्षता इतना बढ़ जाती है पानी की वजह से, तो खाने में इंटरनली घी का सेवन ज्यादा कराना चाहिए। फिर चूना, चूना में जो काम करते हैं या सीमेंट में जो काम करते हैं और बिना ग्लव्स के काम कर रहे हैं, उनको उसका संसर्ग पूरी तरह से टालना चाहिए कि उससे वो काम ना करे। या फिर मिट्टी का संसर्ग हाथ में नहीं लगना चाहिए, या पानी का संसर्ग, पानी का संसर्ग नहीं लगना चाहिए। आप लोगों ने भी ये देखे हैं, आप लोग अभी बताने वाले हैं। अब हमारे पास ऐसे पेशेंट आ रहे हैं तो कृमि का इतिहास है तो कृमि की चिकित्सा करें, अगर सोरियासिस है तो सोरियासिस की चिकित्सा करें, लेकिन साथ में इसको हील करना बहुत जरूरी है। तो इसमें प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पंचामृत, गोदुग्ध भावित वाला, अर्क दूध, अर्क क्षीर वाला नहीं, गोदुग्ध भावित वाला, कामदूधा रस, चंदनाति वटी, यह देने से फायदा होता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं रक्त धातु की दुष्टि होती है, रक्त व स्त्रोतस की दुष्टि होती है, तो वहां पर रक्त और पित्त का आश्रय संबंध होता है। तो इसीलिए वहां पर हमें पित्त का उष्णता तीक्ष्णता और रक्त का प्रसादन करना है, वहां पे उष्णता तीक्ष्णता को कम करना है। तो इसीलिए प्रवाल पिष्टी, प्रवाल गोदुग्ध भावित, प्रवाल पंचामृत, कामदूधा रस, फिर चंदनादि वटी का प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से सारीवा चूर्ण एक एक चम्मच सुबह शाम लेने से फायदा होता है, पानी के साथ लेने से। उसी तरह से शतावरी घृत इंटरनली लेना है, शतावरी कल्प का प्रयोग करना है। यहाँ पर जो भी मैं चिकित्सा बता रहा हूँ ये पित्त को ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूँ, पित्त को हमें शमन करना है। इसलिए प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, कामदूधा, चंदनादि वटी, सारीवा का चूर्ण, फिर उसके बाद शतावरी घृत, शतावरी कल्प, इसका प्रयोग, शतावरी कल्प का प्रयोग दूध के साथ करना है। उसी तरह से क्या करना है कि शद्धौत घृत जो होता है, जो 100 बार धोया हुआ जो घी है, कांसे का जो कटोरी होता है, तो क्या करना है कि पूरा पैर को अच्छे से धो देना है, और वहां पे हमें क्या करना है, इन्फेक्शन है ना, तो शद्धौत घृत लगा के कांसे के उससे घिसना है बहुत ज्यादा, तो इससे बहुत अच्छा ठंडक मिलती है और पेशेंट को फायदा होता है। इसी तरह से कोकम का जो तेल होता है वह लगाना है, और मधुमक्खी का जो वैक्स होता है, हनी बी वैक्स, वह वहां वो एरिया में लगाना है जहां पे इन्फेक्शन हुआ है, या कोकम तेल लगाना है, उससे फायदा होता है। और हमारे मतलब सर लोग ऐसे बताते हैं कि सरसों का तेल भी अगर लगा दिया जाए, तो केवल रोज क्या करना है कि वहां का भाग क्लीन करना है और सरसों का तेल रोज लगाना है, उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से जो एलोवेरा का जो अंदर का जो जेल होता है फ्रेश, वह लेके और वहां पे लगा के पैर को ड्रेसिंग कर देना है, या फिर वो लगा देना है, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से क्या करना है कि बाहर से पानी से जब आए ना, तो पहले तो पैर को सुखाना, ये सबसे बड़ा निदान परिवर्जन, सबसे बड़ा चिकित्सा है कि पैर को सुखाना है। मैंने ऐसे देखा था कि कुछ लोग ना मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जमाने में टीवी में आता था कि कुछ तो मांगे मंगवाना था, तो वो जल समाधि लेते थे। जल समाधि मतलब पानी में ही खड़े रहेंगे दिन दिन भर, दिन रात पानी में ही खड़े रहेंगे, उनको ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, ऐसा मैंने टीवी में देखा था। और डॉक्टर की नजर ना हर व्याधि की तरफ देखना चाहिए कि क्या व्याधि कहाँ कैसे हो रहा है, तो ये मैंने देखा था। इसी तरह से जो सॉक्स पहनना है ना, वो सूती का, कॉटन का सॉक्स पहनना है, और कैनवास का शूज प्रयोग करना है, ज्यादा मतलब टाइट शूज नहीं पहनना है, चमड़े का नहीं पहनना है, हल्का कैनवास का शूज पहनने से फायदा होता है। और हाथ पैर को साफ धो के और शतावरी सिद्ध तेल को लगाना है, शतावरी चूर्ण का प्रयोग सुबह शाम दूध के साथ प्रयोग करना है, या फिर चूर्ण का ना हलवा जैसा बना के दूध में और लापसी जैसा बना के उसका सेवन करना है। अगर बर्निंग बहुत ज्यादा है तो दुर्वा का स्वरस निकाल के रोज, और दुर्वा जो रहता है ना उसमें स्वरस कम निकलता है, तो उसमें पानी डाल के उसको अच्छे से पीस के और फिर उसमें मिश्री डाल के वह लेने से फायदा हो जाता है। और उसको ज्यादा नहीं लेना है, अगर बहुत ज्यादा लेंगे तो वो शीत विरियात्मक होता है, तो जिनको, तो फिर अगर बहुत ज्यादा दुर्वा का रस लेंगे, 1 चम्मच सफिशियंट है, 1 या 2 चम्मच, अगर बहुत ज्यादा लेंगे ना तो उससे सर्दी हो सकता है, प्रतिक्षय हो सकता है। पेशेंट को अगर साथ में है तो ज्यादा भी दिया जा सकता है दुर्वा का रस, लेकिन वो शीत विरियात्मक होता है।
उसी तरह से चंदन को पीस के, जैसे भगवान को लगाते हैं चंदन, पीत चंदन, श्वेत चंदन, रक्त चंदन, जो भी मिले उसको पीस के अच्छे से पत्थर पे, और उसका लेप लगाना है जहां पर भी ये उंगलियों के बीच में इन्फेक्शन हुआ है। इसी तरह से इंटरनली भी वो चंदन को घिस के, जो ऐसे थोड़ा सा मिलता है ना, उसको अंदर भी लेना है, पेट में अंदर खाने के लिए लेना है। उसी तरह से मौक्तिक भस्म का प्रयोग 1 से 2 ग्राम तक सुबह शाम करना है। इसी तरह से ग्रंथों में क्या बताया है, ये जड़वाट करके जो व्याधि है, फिंगर्स में जो इन्फेक्शन होता है, उसको पिंड तेल वहां लगाना है, और पिंड तेल को पीना है, वो भी बहुत कम, 1 चम्मच, 1 टीस्पून। करंज कर्पूर तेल लगाना है या करंज कर्पूर तेल पीना भी है, दोनों चीज करना है। पद्मक आदि तेल जो आता है, पद्मक से सिद्ध किया हुआ तेल, वहां पे पार्थिवता चाहिए हमें, क्योंकि जल महाभूत बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और पानी है वो जल को एब्जॉर्ब करता है, हम लोग तेज को वहां नहीं लगा सकते, हमें वहां पे पित्त का भी शमन करना है, इसलिए पद्मक आदि तेल का प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से शतावरी सिद्ध तेल का प्रयोग करना है वहां लगाने के लिए, लोकल एप्लीकेशन के लिए, और पीना भी है, मौक्तिक भस्म का प्रयोग करना है। उसी तरह से जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तब तक वहां पे साबुन और सोडा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, हाथ में साबुन और सोडा नहीं आना चाहिए। उसी तरह से धूल, मिट्टी, चूना, सीमेंट, इन सब से हाथ का तलवा और पैर का तलवा, इनसे रक्षण करना है। जहां पर भी इंफेक्शन है वहां पे धूल, मिट्टी, चूना, सीमेंट, ये सब नहीं लगना चाहिए। उसी तरह से नायलॉन के कोई भी चप्पल वगैरह या सॉक्स, जो भी चीज है ना, कृत्रिम जो सिंथेटिक चीजें होती है, उनका प्रयोग नहीं। प्लास्टिक का सॉक्स, या प्लास्टिक का सॉक्स नहीं होता, शूज होता है, वह नहीं पहनना है। छोटे बच्चों को भी अगर हो रहा है तो ये सब नहीं देना है। आप जो पैर सॉक्स है ना, वो ज्यादातर हल्का सूती का हो या ना पहने, वो ज्यादा अच्छा रहता है। और बहुत ज्यादा टाइट शूज या ना पहने, अगर आप किसी को हुआ है तो, और पसीना बहुत ज्यादा है, अपने पसीने से इन्फेक्शन हो रहा है, तो शूज ना पहने, वो नॉर्मल जो हवाई चप्पल होता है बाटा का, वो पहने, मतलब हवा लगनी चाहिए, वो सूखना चाहिए। उसी तरह से खट्टा चीजें नहीं खाना है, इसमें खट्टी चीजों से और पित्त का दुष्टि होता है और ये बढ़ता है। फर्मेंटेड चीजें नहीं खाना है, नमकीन चीजें नहीं खाना है, तीखा चीज, मिर्ची मसाला, गरम मसाला, ये अवॉइड करना है। रुक्ष पदार्थ नहीं खाना है, जैसे सूखा धान्य, फिर उसके बाद में जो भी चीज सूखे जो धान्य रहते हैं, स्प्राउटेड चीजें, वह सब नहीं खाना है। दही का सेवन नहीं करना है, तंबाकू, सिगरेट, चाय, फिर जो जो ऐसे धान्य होते हैं ना, जो से मटकी हो गया, बाजरी हो गया, जो मतलब बहुत ज्यादा ड्राइनेस लाते हैं बॉडी में, वो चीजें नहीं खाना है। उपवास नहीं करना है, क्योंकि लंघन करने से, ज्यादा उपवास करने से वायु का प्रकोप होता है, वो और प्रॉब्लम होता है। जागरण नहीं करना है, चिंता नहीं करना है, रात को लेट नहीं खाना है, जल्दी खाना है। उसी तरह से धूप में बहुत ज्यादा नहीं घूमना है, और बिना कोई कारण के इधर उधर घूमते रहो, वह सब नहीं करना है। इसमें आंवला चूर्ण अगर कंटिन्यू खाया जाए तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आंवला चूर्ण सबसे अच्छा श्रेष्ठ रसायन है, और इसमें विश्रांति लेना, पेशेंट को ऐसे पैर खोल के और विश्रांति ले, अगर पानी लगा है ना तो वो सुखाएं और लेटे रहें, मतलब थोड़ा विश्रांति लेना ज्यादा जरूरी होता है। अब ये क्रॉनिक है कि एक्यूट है, मतलब नया है कि पुराना है, उस पर भी डिपेंड करता है चिकित्सा। अगर बहुत ज्यादा पुराना है तो इसमें अच्छे स्नेह, मतलब ये तो एक तेल ले लीजिए या एक घी ले लीजिए, और या फिर शतावरी घृत का केवल वही पिला के रखना है, मतलब अच्छे घृत पिला के रखें 1 दिन, और जब तक वो स्नेह मात्रा, जैसे हम लोग स्नेह पान कराते हैं कि 8 घंटे में पच गया है, या 4 घंटे में पच गया, 2 घंटे में पच गया, वह स्नेह मात्रा को रखें। तो सबसे अच्छा है शतावरी सिद्ध घृत का प्रयोग करा के, और पेशेंट को बोले कि यही पी के रहो, सुबह सुबह पियो, और जब तक तेज भूख नहीं लग रही है बिल्कुल खाना नहीं खाना है, तो जितना स्नेहन होगा वो इंटरनली हील कर देगा। उसी तरह से जात्यादि तेल को लोकल एप्लीकेशन कर सकते हैं, व्रण शोधक तेल, व्रण रूपक तेल, अगर बहुत ज्यादा गीलापन और सड़न हो रही है तो मांस पाचक, रक्त पाचक, ऐसे दवाइयों का प्रयोग करें, या सूक्ष्म त्रिफला, अमृता गुगुल, केशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, इनका प्रयोग करें, जो इन्फेक्शन को जल्दी जल्दी सुखाए। उसी तरह से अगर वो बहुत ज्यादा मतलब गीलापन है, तो उसको सुखाने के लिए टेलकम पाउडर जो आता है बद्राश्म चूर्ण, या तो चूर्ण के रूप में करें, बद्राश्म पिष्टी, नहीं सॉरी बद्राश्म नहीं, दुग्ध पाषाण जो रहता है, टेलकम पाउडर जिससे बनता है दुग्ध पाषाण, उसका जो पाउडर रहेगा वो लगाएं, तो वो भी सुखा देगा, ड्राई कर देगा। या फिर ये कंचन में बताती हैं कि कहरवा पिष्टी, काशिश भस्म, जसद भस्म, ऐसे भस्म लगा सकते हैं, तो वो ड्राई हो जाएगा वो एरिया, फिर जल्दी हील होगा। इसी तरह से वो फिर से आगे ना हो, तो इसीलिए एरंड तेल का प्रयोग करें, पाए सूखा रखें,
और सूती मतलब कॉटन का सॉक्स पहने और कैनवस का शूज का प्रयोग करना चाहिए। इंटरनली वो फिर से ना हो तो शतावरी घृत कंटिन्यू 1-2 साल चला दें, महातिक्त घृत खिला दें, स्निग्ध आहार खिला दें, और शूज और सॉक्स इसका ध्यान रखें, और पानी का संपर्क कम से कम हो। अगर पानी का संपर्क हो भी रहे तो आजकल तो बड़े बड़े शूज मिलते हैं, अगर पानी में काम करना पड़ रहा है तो शूज पहन के, जो बड़े बड़े रहते हैं घुटनों तक इतने बड़े बड़े जो शूज आते हैं, वो पहन के फिर काम करें। और उसी तरह से कोई पैरों में रोज ना तेल का कोई भी ऐसे पादाभ्यंग करके ही सोना है। इसी तरह से अगर वो बहुत ज्यादा एक्यूट कंडीशन में है और सोरियासिस की तरफ जा रहे, तब क्या करना है, महातिक्तक घृत कंपल्सरी देना है, फिर पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। तो आप लोग, अब मैंने अपनी तरफ से बता दिया, अपने सर लोग के। आवाज नहीं आ रहे? नहीं मैम, नहीं मैम, नहीं आ रही। अच्छा सर, अभी ज्वाइन करें छोटे फिर से। नेटवर्क पे चल गया। पापा जी खैर, मैं दो बड़ा अभी ना के बरात के 100% अच्छा हो गई, लेकिन बस ये बाकी सब उंगली से ही छिलका निकल गया, लेकिन 100% अभी रिकवर हो गई नहीं। काल से तो आज कंडीशन बहुत अच्छी है, तो अभी पुनर्नवा मंडल के लिए मिलना था 2 घंटा बाद पर्ची। मेरा यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, आ रही है। सॉरी, मेरा नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था तो नेटवर्क ही चला गया। आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको पानी लगाया है, तो आप लोगों ने क्या ट्रीटमेंट दिया बताइए प्लीज। शशि मैम, गुड इवनिंग सर। हेलो। सर वैसे तो पेशेंट मेरे पास नहीं है, बट मेरी मदर को ये प्रॉब्लम थी, तो मैंने ये चीज नोटिस किया, जिन लोग की अंगुलियां पैर की जो बहुत पास पास होती हैं, तो उनको पानी लगता है। हालांकि वो पानी का काम भी बहुत करते थे, क्योंकि मतलब पूजा पाठ बहुत ज्यादा करते थे, तो और नंगे पैर ही रहते थे, मतलब घर के अंदर स्लीपर नहीं डालते थे, पूरे घर में चाहे जहां भी चलना फिरना हो, तो उनको पानी लगता था, तो उसमें बिल्कुल कट सा जाता था, मतलब व्हाइट व्हाइट हो जाता था, स्किन पूरी हो जाती थी। तो उसके केसेस में तो ये रहता है कि जैसे सरसों का तेल है, उसको गर्म करके अगर रात में रोज लगाएं तब आराम रहता है। और ऐसे तो पेशेंट तो सर नहीं आए मेरे पास, लेकिन ये चीज मैंने देखा है कि जिनकी भी उंगलियां बहुत, कुछ लोग होते हैं जिनकी फिंगर्स बिल्कुल पैर की सटी सटी होती हैं, मतलब उनके बीच में स्पेस ही नहीं होता है, उनको मतलब अलग करने के लिए उनको अपनी हाथ से करेंगे तब जाकर अलग होगा। तो उनके केसेस में थोड़ा बहुत भी पानी लग जाए तो उसका तरीका वही है जैसे आपने अभी बताया, कि उसको बढ़िया से ड्राई कर लेना है, टेलकम पाउडर वगैरह लगाना है, ज्यादा प्रॉब्लम है तो मेडिसिन वगैरह लेनी है, इस तरह की चीजें हैं। तो इसमें सरसों का तेल बहुत फायदा करता है, कि अगर उसको गर्म करके मतलब रोज रात को लगभग एक तरीके से समझें कि सिकाई करके सोना है, तब आराम हो जाता है, और पानी होने से बचकर रहना है, मतलब जिनका पानी टिकता है पैरों में। तो ये चीज है सर, पेशेंट तो नहीं आया मेरे पास में से सर। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। अर्चना मैम, आप मुझे होस्ट बनाइए और आप बताइए। अर्चना मैम, डॉक्टर अर्चना मैम, जड़वाद के लिए आपने क्या ट्रीटमेंट दिया है? अर्चना मैम, मुझे हाँ होस्ट ये तो बनाइए। मैं सर बनाया ना मैंने, उस बनाया आपको। इसलिए होस्ट बन रहा हूँ कि मैं अनम्यूट करने को सबको ऑप्शन दूँ कि बोलिए, हाँ आप सर, बोलिए। हाँ ऐसे ठीक है, पानी में काम करने वाले लोगों को में ही होता है सर, ये पूरा ऐसे जख्म जैसे हो जाता है,
अगर हेतु बंद कर दिया ना सर, तो अपने आप भी ये ठीक हो जाता है, सिर्फ वहां पे ड्राइनेस में आना चाहिए। तो कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन सिर्फ पानी नहीं लगने दिया तो भी एक कंप्लीट मतलब अच्छा हो जाता है। पेशेंट तो नहीं देखे सर, लेकिन फैमिली में होता है सर, मैंने फैमिली में ये देखा है पेशेंट को ऐसे घर में रिलेटिव में। लेकिन ये तुरंत मतलब ऐसे कुछ भी नहीं किया तो भी ये हेतु बंद कर दिया तो अच्छा हो जाता है सर। अच्छा, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। डॉक्टर मंदाकिनी मैम, गीता पटेल मैम, आप लोगों ने पेशेंट देखे हैं पानी लगने पे? परमिंदर मैम कुछ बताइए आप लोग ट्रीटमेंट। आरती मैम, हाँ नमस्ते सर, सबको नमस्ते। जी मैम बताइए। हाँ जी सर, मेरे पास तो सर ये क्रॉनिक पैरोनाइकिया के बहुत पेशेंट्स आते हैं, और सबको साथ में हैंड डर्मेटाइटिस भी रहता है। मतलब ज्यादातर पेशेंट्स में ये मतलब हैंड्स की भी इन्वॉल्वमेंट रहती है। और एलोपैथी में मतलब इसका कोई ऐसे शोर शोट इलाज नहीं है, स्टेरॉइड्स दे देते हैं या फिर एक ड्रग आती है ऐसी ट्रेटिनोइन करके, तो वो या इंडिया में भी नहीं अवेलेबल है, एक दो कंट्रीज में ही अवेलेबल है। तो सर इन पेशेंट्स में एक्चुअली जितना मैंने देखा है ना कि मतलब हम मतलब जैसे क्षुद्र रोग में आ जाते हैं ये, मतलब ये जो छोटे छोटे डिजीज हम जिनको सोचते हैं ना, ये इंडिकेशंस होती हैं बॉडी के लिए कि कहीं पे कुछ ना कुछ तुम्हारे इम्यून सिस्टम में भी गड़बड़ी है। क्योंकि जितने मेरे पास ये पैरोनाइकिया के पेशेंट्स थे, कभी ना कभी लाइफ में ना उनको ये डायबिटिक का सिस्टम जरूर स्टार्ट हो जाता है, काफी ओल्ड एज पेशेंट्स। और जिनको स्टेंटिंग वेंटिंग पड़ी हुई होती है, वो मेडिसिन खा रहे होते हैं तरह तरह की, तो उनके भी मतलब ये पैरोनाइकिया और हैंड डर्मेटाइटिस बड़ा रहता है। और इसमें एक स्ट्रेस की इन्वॉल्वमेंट रहती रहती है। मतलब मैं कभी कभी खुद सोचती होती थी कि यार हाथ में ही है इनको इतनी सी प्रॉब्लम, पैर में या तो क्या हो गया, पर वो पेशेंट ज्यादा स्ट्रेस की सिचुएशन में होते थे और उनका स्ट्रेस बड़ा मतलब मैनेज करना पड़ता था, क्योंकि बहुत तरह तरह की ट्रीटमेंट्स करके आते थे। और सर ये जो मैम कह रही थी जिनकी उंगलियों में नई जगह होती है, मतलब वो उनका फोकस तो रहता ही है, उनको कैंडिड इन्फेक्शन हो जाती है, वो वाइट वाइट जो होता है सारा सिस्टम, और वो कैंडिड इन्फेक्शन भी बेसिकली इम्यूनिटी की तरफ ही मतलब इशारा करती है कि तुम्हारी इम्यूनिटी मतलब कुछ गड़बड़ है। और इसमें हेतु का बहुत महत्व है, वो तो देखना ही पड़ता है, वो हटाना पड़ता है। और इसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा फायदा, आपने दुग्धपाशन बोला ना, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, ड्राई हो जाता है वुंड। अदरवाइज जितना मर्जी करते रहो, लीजन्स ऊज करती रहती हैं, उनमें से कुछ ना कुछ बहता रहता है, और कई बारी तो कल्चर भी कराना पड़ता है फिर उस हिसाब से एंटीबायोटिक देने पे। ये छोटी सी बीमारी है, कई बारी ऐसा होता है कि कल्चर कराते हो तो इतना हायर कोलेस्टिन वगैरह एंटीबायोटिक भी चलाना पड़ जाता है, और हैरानी होती है ऐसे देख के। और मैं तो मेरे पेशेंट्स में अभी यही करती थी कि दुग्धपाशन है वो यूज करती थी। और हाथों में तो मतलब मुझे उसमें तो अभी भी कंफ्यूजन है कि उनके लिए क्या किया जाए, चीरे पड़ जाते हैं पेशेंट्स को, बड़ा बुरा हाल हो जाता है उनका। विपादिका के साथ इसको मैंने थोड़ा सा कोरिलेट किया है, और अभी इस पे मैं थोड़ा सा वर्क कर रही हूँ कि विपादिका की ट्रीटमेंट कैसे करें हम आयुर्वेदिक लाइन पे। हाँ वो हाथों पे होता है ना स्क्रैचेस जैसा, तो जी इससे हम पित्त शमन चिकित्सा से अच्छा रिजल्ट मिलता है। और उन्हें पानी में हाथ नहीं डालना है और पहन के काम करना है, और हाँ वो जी मतलब हम ये होता है ना साबुन वगैरह वो यूज नहीं करना है, थोड़ा सा भी बता दिया ना तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैम, ये पेशेंट किया है मैंने, हाँ एक जी बार किया फी है। हाँ हाँ जी फीमेल पेशेंट्स रहती हैं तो उनको अगर उसमें ये बड़ा ज्यादा मिलता है। हाँ जी मैम, बड़ा उन पे तरस आता है कि इनको इनके लिए क्या किया और जाए। हम जो मतलब वो क्या करते थे, हम जो ये होता है ना आटा वगैरह गूंथते हैं हाँ तब जी वो स्क्रैच, हाँ तब दर्द होता था और ब्लीडिंग होता था उससे। हाँ वो जी हाँ पेशेंट का जी पूरा मतलब अच्छा रिजल्ट मिला, उसे मैंने महातिक्त घृत और विरेचन दिया था वीकली। हाँ वो जी मैम, यहाँ के मैंने नहीं भी थे, अभी और स्टार्ट करा है महातिक्त घृत सारे पेशेंट्स को वीकली एडॉप्ट विरेचन, करा अगर है। वो दुबई का था पेशेंट तो मैंने वीकली विरेचन दिया उनको, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते थे। तो पूरा मतलब कंप्लीट हुआ, और पित्त शमन चिकित्सा दी थी मैंने उससे, बहुत हाँ पहले जी की बातें हैं ना। हाँ लेकिन ये चिकली जो होता है ना, मुझे लगता है ये पैरों के दोनों उंगली के बीच में होता है, और जो आप बता रहे हो ना तो ये जी उंगली पे स्क्रैचेस होते हैं हाथों पे, ये थोड़ा अलग, ये ट्रीट किया है मैंने। ये मैम दोनों भी कंडीशंस बंद करना है देखने मैडम, में ऐसे इस लगता है पेशेंट कि में भी हाँ ये तो छोटी जाता छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं, बट पेशेंट्स बड़े मतलब प्रॉब्लम में रहते है हैं, मैम, वो स्ट्रेस कंप्लीट जाता है। में पित्त रहते शमन चिकित्सा, मृदु विरेचन और हेतु बंद करना है पूरे उसके, मतलब पानी में हाथ ही नहीं डालना है, वो निरमा पाउडर या साबुन इसमें इससे दूर रहना है, ग्लोव्स हैं। पहनने हैं,
तो इससे जाता है मैडम, पूरा जाता है। जी, पर दोबारा से मैम आता है, इसमें बहुत ज्यादा रेगुलरिटी है, बहुत मुश्किल से मैनेज होता है। ये शुद्र रोग है पता नहीं, पर क्या है मतलब इसको परमानेंटली मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। हेतु बंद कीजिए मैम, हाँ जी, हाँ ट्रीटमेंट के साथ जी, बनती है ना तो नहीं आता ये। हाँ जी, पर मैम इसमें है इम्यूनिटी और स्ट्रेस का तो इशू है ही है। अभी मैंने नए सिरे से सारे पेशेंट्स की प्रोफाइलिंग करनी स्टार्ट करी है, तो उनमें आयुर्वेदिक मैंने ट्रीटमेंट दी है। फिर मैं जब भी होगा, 10 पेशेंट्स पे मैंने अभी ट्राई करा है, तो उनके रिजल्ट्स आएंगे तो फिर मैं डिस्कस करूंगी प्लेटफॉर्म पे। जी इसमें मैम उसका एक अच्छा रोल है, जो बीज वैक्स होती है ना, वो ना बीटाडिन की जैसे यहाँ पे तो लिक्विड मिलता है, पर वो होता बीज वैक्स है, मतलब ये जो मधुमक्खियों का वैक्स होता है ना, तो उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैंने शद्दोष ग्रुप दिया था उनको ग्रुप हाँ जी, लैपिंग, हाँ उससे जी, हाँ मिलते शद्दोष से। जी, हाँ, और मैं जो बताया ना अगरबत्ती वाला जो मैंने बताया उसका मैंने चिकित्सा नहीं बताया। जब 2004 में ऐसे देना है तो मैं ना उनको वो आंटी को ना 7 दिन घृतपान, अच्छे घृतपान खिलाया 1 किलो, और उसके बाद में मैंने उनको वमन कराया, एक ही वमन कराया, और उसके बाद 2004 से 2023 से इतने साल से उनको वो प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मैंने यही सोचा था कि बहुत ज्यादा दाह हो रहा है, अगरबत्ती का केमिकल है, उससे रिएक्शन हुआ है, एक बार ही वमन गया। और आज भी उनके बेटे लोग भी मिलते हैं, वो बोलते हैं कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर लोगों ने ठीक नहीं किया, आपने एक उल्टी कराया और पेशेंट को परमानेंट ही कर दिया, आज भी बोलते हैं। हाँ इतना फायदा बिल्कुल, होता है हमारा। हाँ हाँ जी, नहीं सर, सर, ये ये जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है ना, ये ट्रीट कूनक्स करना को बड़ा लीड कर मुश्किल देती है सर, है। इसको एक एक कैसे एक हम। करके दोनों लोग बोलिए, पहले एक बोलिए फिर दूसरी लोग बोलिए, क्योंकि दोनों का एक जैसी आवाज है, दोनों लोग का एकदम स्वीट आवाज है। एक पहले बोलिए फिर दूसरी बोलिए। जी पहले कौन बोलेगा? परमिंदर मैम आप बोलिए, फिर मंदाकिनी मैम बोलिए। हाँ जी सर, मैं तो सिर्फ यही कह रही थी कि मतलब वो देखने में ऐसा ही लगता है कि शुद्र रोग है, पर मतलब बड़े बड़े डॉक्टर से ये ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है और पेशेंट बड़ा स्ट्रेस में होता है। और मैंने ये सोचा था कि स्नेहन भी हो रहा है वहां पे, रुक्षता भी आई थी और दाह भी हो रहा है, तो क्यों ना स्नेहन करा के उल्टी करा दो, और सच में परमानेंट ठीक हो गई वो। हाँ, अब मंदाकिनी मैम अब आप बोलिए, दोनों आप दोनों का एक जैसा आवाज है और इतना प्यारा आवाज है दोनों का, बोलिए आप दोनों, आप बोलिए मंदाकिनी मैम। सर मुझे पूछना था, ये जैसे कि ये कंडीशन बाद में ना कूनखा में लीड हो जाती है, फिर क्या होता हाँ है कि पेशेंट को आप कितनी भी दवाइयां दे लो, और जो नाखून वाली जो प्रॉब्लम होती है ना, ये जल्दी जाती नहीं है, चाहे आप कितना भी ट्रीट कर लो पेशेंट को। इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स के नाखून पक जाते हैं, उखड़ जाते हैं, नए नाखून आ जाते हैं, और फिर से वो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसे हम कैसे हैंडल करेंगे? कुनक अगर हो रहा है तो एक तरह से इन्फेक्शन हो रहा है ना वो वहां पे नाखून का, तो वही सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी शद्दोष घृत जात्यादि घृत ऐसे कर, अगर बहुत ज्यादा गीला कंडीशन है तो सूखा दुग्ध पाषाण का चूर्ण, अगर सूखा है तो स्नेहन, ऐसे अदल बदल के देना पड़ता है। क्योंकि ना सर मेरे पास मैंने कई लोगों में जलौका के लिए भेजा था, उन्हें अच्छा रिजल्ट मिल गया, लेकिन अब हर किसी को हम जलौका के लिए नहीं भेज पाते हैं। और मैं कृमि हर चिकित्सा दे दी थी, तो कुछ लोगों को कृमि हर चिकित्सा से रिजल्ट मिल गया, पर कुछ लोगों को क्या हुआ कि उन्हें फिर से वो उस समय तो ठीक हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक दाना सा बना रहता था सर, और ना वो बाद में फिर से वही हो जाता था वो, भले कितना। और ये कंडीशन मैंने सर इनमें देखी है, ये जो केमिकल्स वाले में काम करते हैं ना, उन लोगों में ज्यादा देखी है मैंने ये सर। हाँ, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। किसी को कुछ बताना है तो सर बता। मैंने ऐसे पेशेंट में ना इम्यूप्सोरा मैं दो तरह से करती हूँ सर, एक तो स्रावी और अस्रावी। तो कभी कभी क्या होता है, जो मेरे यहाँ पेशेंट आते हैं ना, वो केमिकल वाले होते हैं, और स्पेशली कुछ होम लेडीज होती हैं ना, जो क्या कहते हैं घड़ी साबुन से बर्तन मांजती है ना, उनके हाथों में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है सर। तो जब अस्रावी होते हैं ना, उनका ड्राई होता है, उस समय सर मैं ये क्या कहते हैं आरोग्यवर्धिनी गंधक रसायन, तो और गुड़ची वगैरह तो पैक है ही है, खदिर भी, उसमें मैं स्वर्णमाक्षिक भस्म जरूर देती हूँ अस्रावी वाले में। और उसके बाद गंधक का, जैसे कि कोई भी इम्यूपसोरा ऑइंटमेंट हुआ,
है ना, ये कोई भी करंज तेल वगैरह कुछ दे देते हैं, लेकिन जब हम सावी में आते हैं ना सर, मैं इसको एज अ एक्जिमा ही कोरिलेट करती हूँ, क्योंकि एक्जिमा में भी हमारी वही चिकित्सा चलती है ना, और इसमें भी तो उस हिसाब से फिर वही सारी मेडिसिन तो सेम ही रहती है, बस यहाँ पे हम जो ये स्रावी वाला होता है उसमें बस हम ये वंग भस्म और नीम की टेबलेट दे देते हैं, या फिर नीम की मैं कोपले खाने को बोल देती हूँ, तो इतना कर लेती हूँ। और फिर मुझे बाहर से ये इमिप्सोरा ऑइंटमेंट आता है चरक का, इसका सर मुझे बहुत अच्छा मिला था, और मैं अपने पेशेंट को अकॉर्डिंग टू स्रावी और अस्रावी के अकॉर्डिंग सर सद्यो गमन और सद्यो विरेचन देती हूँ। थैंक यू। हाँ बहुत अच्छा बताया आपने मैम। कुछ लोगों का टेंडेंसी रहता है, वो बार बार होता है उनका पैर में पानी लगने का, तो वो भी देखना चाहिए कि वो पानी जो है वो ज्यादा ना बढ़े, बहुत तकलीफ, कभी खून भी आता है, इतना ज्यादा होता है। हाँ जी, आरती मैम आप कुछ बताइए, अर्शिया मैम आपने देखे हैं ऐसे पेशेंट, पानी लग जाता है बहुत ज्यादा। नलिनी मैम आपने देखे हैं क्या? प्रशांत भट्ट जी कुछ बोलिए आप लोग। अनिता मैम, जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम बोलिए। जड़वात में आप क्या देती मेरे हैं जी मैम? सर खुद को ऐसे हो गया था उंगलियों में प्रॉब्लम, हाँ तो मतलब मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, 10th में था जब, तो फिर मैंने उसको डेली जूस वगैरह देती थी, तो घर पे बना के फ्रेश जूस रोज निकालती थी, तो वो कंटिन्यूअस मतलब 1 घंटा तो लग जाता था, सब फ्रूट्स को कट करो और जूस बनाओ। उसके बाद से सर मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, मतलब हाथों में, उंगलियों में, नाखून के पास ऐसे कट्स आ जाते थे, ऐसे स्किन फट जाती थी, तो मतलब एक वुंड हो गया वो हील होते होते दूसरी तरफ कट आता था, तीसरी तरफ कट आता था, ऐसे मतलब मेरे लगभग, उसके बाद से सर स्ट्रेस फैक्टर भी था, तो लगभग मुझे 3 साल तक ये प्रॉब्लम चालू रही सर। बहुत सारे महंगे महंगे मॉइस्चराइजर लगा लिए, क्रीम लगा लिए, उसके बाद सर मैं अकोला शिफ्ट हुई, तो वहां पे मैंने एक जूनियर अपने BMS डॉक्टर उनके पास दिखाया, तो उन्होंने मतलब रुक्षता तो थी, मैं घी वगैरह को कभी खाती नहीं थी और ऑयल वगैरह भी कम कर दिया था खाने में, तो और स्ट्रेस फैक्टर था, उन्होंने फिर मुझे एक क्लासिकल विरेचन दिया, महातिक्त घृत, मैंने 4 दिन लिया, कम से कम 300 ml पिलाया, तो एक ही विरेचन से सर मेरा वो पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। ना शोधन इतना बढ़िया काम करता है। हाँ, एक विरेचन से, और फिर उसके बाद से मैं डेली अभी तक लगभग 20 ml, 25 ml या 30 ml घी रोज मिल्क में लेने का उन्होंने बताया था, तब से आज तक मेरा वो घी लेने का चालू है, मैम स्नेहपन भी किया और ना अपने, पूरा ड्राइनेस भी हाँ कम हो गया। ड्राइनेस थी, और तो बाकी जो चीजें, विम बार से बहुत एलर्जी थी, विम बार को छूते ही मुझे खुजली भी शुरू हो जाती है, कभी बाई वगैरह नहीं आई तो कभी करना पड़ता है, तो हैंड ग्लोव्स वगैरह वो स्ट्रिक्टली अभी मैं फॉलो कर रही हूँ, तो एक ही विरेचन से सर मुझे एकदम फायदा हो गया था, कुछ इंटरनली भी लेना नहीं पड़ा और कुछ नहीं, 3 साल तक मेरे वो प्रॉब्लम चल रही थी सर, ये मेरा खुद का अनुभव है सर। बहुत सारे लोगों को साबुन का और ये सोडा हाँ, का एलर्जी। सर्फ साबुन, पहले क्या वो जो रिन बार और 501 ऐसे कुछ कुछ, 505 ऐसे कुछ कुछ आता था ना साबुन, उसका हाँ एलर्जी सर, बहुत सारे लोगों को होता था, रिन का और ये बहुत सारे इन सब का होता था सोडा का। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज, किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर नवजोत कर मैम आपने पेशेंट देखे हैं जो पैर में इन्फेक्शन हो जाता है, पानी लग जाता है प्रणाम सर। मैम? हाँ जी, हाँ जी प्रणाम सर मैम बताइए। आपको। सर ऐसे पेशेंट्स तो नहीं देखे सर, मेरी बेटी छोटी थोड़ा थी जब, जोर से बोलिए ना मैम। हाँ जी 1 मिनट सर, मैं बाहर निकल रही। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ जी सर, मेरी खुद की बेटी को एक बार बहुत छोटी थी तो उसे ऐसे हो गया था, विंटर के मौसम में शायद, जैसे बच्चों के हम सॉक्स वगैरह पहने रखते हैं, तो बट सर ये है कि उस समय मेरे को ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन का ज्यादा मालूम नहीं था,
तो मेरे घर में जैसे मदर ने मेरे को बताया कि इसके ऊपर जैसे हल्दी, अपनी कच्ची हल्दी होती है जो हम वो लेके आके उसको पीस के ना ड्राई पाउडर को, तो सर उसी को ही स्प्रिंकल करती रही मैं, तो उससे ये हो गया कि उसका 3-4 दिन में वो ड्राई हो गया, और उसके बाद अभी तक उसको कभी वो प्रॉब्लम हुई नहीं। खाने को कुछ नहीं दिया था क्योंकि बहुत छोटी थी, 3 साढ़े 3 साल की। तो ऐसे सर मेरा इसमें इतना ही एक्सपीरियंस है। और ना एक आयुष दर्पण की एक मैम थी, मैं अभी नाम नहीं बता सकता लेकिन वो रिकॉर्डेड होगा, उनको ये बहुत दिन से हो रहा था कि वो बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट से इलाज करवा रही थी, उनको ठीक नहीं हो रहा था। उन्होंने यहाँ केस टेकिंग भी कराया था 2021 में। तो मैंने उनको यहाँ से दवाइयां भेजा, मैंने गंधक रसायन, सूक्ष्म त्रिफला और AKT भेजा, अमृता गोकुल, केशव त्रिफला गोकुल, और जो कैलाश जीवन आता है, कैलाश जीवन हल्दी में मिक्स करके और वहां लगाने को बोला। उनको सोप से एलर्जी था, तो वो मैम पूरा ठीक हो गई। अभी तो मैम को कभी कुछ नहीं होता, सोप में भी काम करते तो उनको कभी नहीं होता। कैलाश जीवन और हल्दी का यूज करके देखिए, जहां पर भी क्रैक्स होते हैं पैरों में या ऐसे पानी लगता है, तो कैलाश जीवन बेस्ट है। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। सर ये बालू का यंत्र का कोई आप कांटेक्ट दे सकते हैं क्या? बालू का यंत्र लेना हो तो हाँ आदित्य सर बताइए, सर आप क्या बता रहे हैं, सर, जैसे पैरों में जो ये बालू, हो जाता है। हाँ सर हाँ नहीं सर, जैसे बालू का यंत्र लेना था मुझे, वो मर्दन करने के लिए, तो वो वो तो हम सर। बाद में बात करेंगे सर, सर ओके हम वो बाद में बात करेंगे सर, जी सर, अभी पहले ये बताइए कि पैरों में जब पानी लग जाता है, पानी से जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए आप क्या बताएंगे। सर एक्चुअली मैंने ऐसे पेशेंट ज़्यादा देखे नहीं है। जैसे अगर पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है तो हम यूजुअली लोकल, जैसे जो कैंसर पेशेंट्स में जैसे इन्फेक्शन होता है, इम्यूनिटी कम होने के कारण, तो उसमें हम जैसे डर्मा एंटी फंगल देते हैं, लूलीकोनाजोल उस टाइप के एंटी फंगल रहते हैं, और उससे स्क्रेपिंग लेके देखते हैं। अगर वो किसी कोई ड्रग इंड्यूस्ड है या WBC काउंट कम होने के कारण है इस टाइप से। ऐसा जो आपने जो बताया ना कि जैसे खेतों में और केमिकल से लंबे समय, इस टाइप के केसेस मैंने देखे नहीं सर। यूजुअली जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसमें लूलीकोनाजोल लगाते हैं और शुगर कंट्रोल करते हैं, टॉपिकल ये एंटीफंगल और आपका डस्टिंग जो है फंगल। ना, आपने जो बताया ट्रीटमेंट ये 100% इफेक्टिव है, बहुत अच्छा बताया आपने सर। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। सविता पेठे मैम आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए, मनीषा मैम, शैलेंद्र जी आप कुछ बोलिए सर। नहीं बोलना, अगर नहीं बोलना है तो हम सेशन बंद करते हैं, 8:15 पे अब हम मिलेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना बहुमूल्य टाइम निकाल के और डिस्कशन किया और बहुत सारे लोगों को ज्ञान प्रदान किया जिससे सभी लोगों को फायदा होगा। ठीक है, सर थैंक मेरे यू, जो धन्यवाद। टीचर है बुलाइए सर वो मैं नेक्स्ट क्लास में सर उनको केस टेकिंग के लिए बुला लूं। ठीक मैम, बुलाइए। शशि मैम बहुत अच्छा केस टेकिंग करती हैं, और शशि मैम इतना अच्छा केस टेकिंग करती है ना प्यार से, कि सभी लोग ना ऐसे अपना सारा चीज बता देते हैं। ये मैम का स्किल है, आर्ट है कि वो केस टेकिंग अच्छा करती है। ठीक है, है, थैंक यू थैंक शशि मैम, यू थैंक यू सभी लोगों को, प्रणाम थैंक यू, सर, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू सर।